नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्विक हेल एंटीवायरस के सीईओ कैलाश गटकर की। दोस्तों कैलाश गटकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद एक मिलियनेयर कंपनी की स्थापना की। आज अगर हम सभी लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में उनके क्विक हेल एंटीवायरस नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा, वो उसी कंपनी के सीईओ हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके संघर्ष की कहानी की कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में ग्रेजुएशन ड्रॉपआउट करने के बाद सफलता हासिल की। दोस्तों कैलाश कटकर ना तो कभी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छे थे और ना ही उनके इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो एक बड़ी कंपनी की स्थापना कर पाते या फिर कुछ अच्छा कर पाते। 1980 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद परिवार की दयनीय हालत होने के कारण उनको अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दोस्तों कैलाश जी के पिताजी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के कर्मचारी थे। घर की खराब हालत होने के कारण उनको अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिताजी की मदद करनी पड़ी और उसके लिए उनको करनी पड़ी एक छोटी सी नौकरी। दोस्तों वह एक रेडियो और कैलकुलेटर रिपेयर करने की दुकान पर काम करते थे और वहीं रहकर उन्होंने उसे रिपेयरिंग करने का काम सीख लिया। कुछ पैसा बचाकर कैलाश जी ने अपनी खुद की बिजनेस करने की सोची और उन्होंने पुणे में एक कैलकुलेटर और रेडियो की दुकान को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और लगन के कारण उनको पहले ही साल में 45,000 रुपए की कमाई हुई, जो कि उस समय में एक अच्छी खासी आमदनी थी। दोस्तों उन दिनों सॉफ्टवेयर का बिजनेस चरम पर था तो कैलाश जी ने उसी में अपना थोड़ा सा करियर बनाने की सोची। उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करने की तो सोची पर उनको इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स किया और उसके बाद कंप्यूटर को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। 1993-94 में इन्होंने 1,00,000 का बिजनेस किया और इसी दौरान उनके छोटे भाई ने भी सॉफ्टवेयर का कोर्स करके अपने बड़े भाई की मदद करने में लग गए। कुछ ही दिनों में एक टीम तैयार कर ली गई और क्विक हील नाम का एक एंटीवायरस तैयार कर लिया गया, लेकिन बिजनेस ज्यादा नहीं चला और शुरुआत में उनको कुछ दिन के लिए अपना क्विक हील एंटीवायरस फ्री में लोगों को देना पड़ा। लेकिन एक बार जब बाजार में उनकी एप्लीकेशन हिट हो गई तो उसके बाद उन्होंने क्विक हील टेक्नोलॉजीज के नाम से एक नई कंपनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद कंपनी का टर्नओवर इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने पुणे में ही जमीन खरीद कर क्विक हील टेक्नोलॉजीज को एक नया मोड़ दिया। आज ये कंपनी मिलियनेयर है और कैलाश कटकर इस कंपनी के सीईओ हैं और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दिखाया कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना संभव है और प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बराबर प्रयास करते रहने चाहिए। लगातार रस्सी के रगड़े जाने से तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, तो फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।